नमस्कार, वेब दुनिया की अजीबो गरीब खबरों की दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इस बार हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे शहर जहां मरने पर पाबंदी है। जी हां, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, और मौत कब किसे अपने आगोश में ले ले ये बात कोई नहीं जानता। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक शहर ऐसा भी है जहां मरने पर पाबंदी है। नॉर्वे के लॉन्गेयरबेन शहर में इंसानों के मरने पर प्रतिबंध है। यह बात आपको विचित्र लग सकती है, लेकिन जब आपको इस प्रतिबंध के पीछे के कारण का पता लगेगा, उसे जानने के बाद आप भी इस प्रतिबंध का विरोध नहीं करेंगे। यहाँ पर किसी को भी मरने नहीं दिया जाता, और मरने से पहले शहर से बाहर कर दिया जाता है। जी हाँ, नॉर्वे के शहर में इंसानों के मरने पर प्रतिबंध लगा हुआ है, और क्या कारण है इसके पीछे का राज, ये हम आज आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल लगभग 2000 की आबादी वाले इस शहर में हर समय खून जमाने वाली ठंड होती है। यहाँ रहने वाले लोग या तो टूरिस्ट होते हैं या फिर शोधकर्ता वैज्ञानिक। चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है, और यही कारण है कि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए सिर्फ स्नो स्कूटर का ही इस्तेमाल होता है। यहाँ साल में 4 महीने सूरज नहीं निकलता, और 24 घंटे रात ही रहती है। शहर में एक बहुत ही छोटा सा कब्रिस्तान है जिसमें पिछले 70 सालों से किसी भी दफनाया नहीं गया है। दरअसल अत्यधिक ठंड और बर्फ में दबे रहने के कारण यहाँ लाशें जमीन में नष्ट नहीं होती और न ही खराब होती है। कई साल पहले वैज्ञानिकों ने यहाँ के कब्रिस्तान में एक डेड बॉडी के टिश्यू सैंपल के तौर पर लिए थे, और उसकी जांच करने पर उसमें अब भी इन्फ्लुएंजा के वायरस पाए गए। इसी के बाद से यहाँ नो डेथ पॉलिसी लागू कर दी गई। यदि यहाँ पर कोई गंभीर रूप से बीमार भी हो जाता है या मौत के करीब भी पहुंच जाता है, तो उसे प्लेन या शिप में बिठाकर नॉर्वे के दूसरे हिस्सों में भेज दिया जाता है।